उसके बारे में बताते हैं कि किसी सारणिक का मन जो है, यदि सारणिक की दो पंक्ति या स्तंभ के अवयव समानुपाती है तो क्या वो सारणिक का मन जो है शून्य होता है? है देखो, किसी सारणिक में दो पंक्ति या स्तंभ समानुपाती हो, थोड़ा हिंदी लिखने में हमको थोड़ा गलती होता है, देखो समानुपाती हो तो सारणिक का मान शून्य होगा, शून्य होता है क्योंकि गणित बताने वालों के लिए अक्सर जो है ना हिंदी थोड़ा गलती हो जाता है, नहीं आता है। तो इसमें क्या है, सारणिक का मान शून्य होता है ना, इस चीज के बारे में हम बताते। देखो इस सारणिक में क्या होगा, आप देखो इसमें लेना है कि दो पंक्ति या स्तंभ जो है समानुपाती है। देखो इधर माना की डिटर्मिनेंट बराबर A1 B1 C1, A2 K2 B2 K C2, नहीं देखो A3 B3 C3, ले लिए जी, सीखो इधर, कह रहे हैं बार बार, मुंह समझा रहे हैं। अब देखो यहाँ पर इसमें से हम क्या करते हैं, लिखते हैं कि R2 से K कॉमन कर लेते हैं, यहाँ 3 नहीं होगा, 1 रहेगा, यहाँ 1 कर देते हैं, ठीक है, ये 3 रहेगा, कॉमन करने पर देखो इसमें से हम जब K कॉमन ले लेते हैं तो A1 B1 C1 और A3 B3 और C3। अब देखो इसमें क्या बात, हम इसको लिख सकते, शून्य हो सकता है इसका मान शून्य होगा, नहीं होगा, अरे नहीं होगा, कैसे होगा, क्योंकि दोनों रो जो है कॉलम है और प्रॉपर्टीज किससे पता चलता है, प्रॉपर्टीज एक से हमें पता चलता है, नहीं दो से पता चलता है, प्रॉपर्टी दो से हमें पता चलता है कि दो रो या दो कॉलम का मान यदि बराबर हो तो उसका मान क्या होता है, शून्य होता है। और जब शून्य होता है ये कॉमन लिए हुए हैं, कॉमन को तो हम इस डिटरमिनेंट, इसका मोड तो जीरो ना आएगा, नहीं निकले, इसको जीरो से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, जीरो आएगा। तो वही कहता है कि यदि दो पंक्ति या स्तंभ समान अनुपात में है ना, तब उसका मान जो है क्या होगा, सारणिक जो निकलता है वह क्या निकलता है, शून्य निकलता है।